और कानपुर से एक बड़ी खबर स्पीच मिल रही है, महिला के ऊपर तेजाब फेंक दिया गया जिसके बाद महिला गंभीर रूप से झुलस गई है। घंटा घर के पास की घटना बताई जा रही है जहां पर महिला पर तेजाब फेंका गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कलेक्टरगंज थाने की पुलिस ने अब तक महिला की कोई भी मदद नहीं की है। वहीं जीआरपी के सिपाही ने पीड़ित महिला को अस्पताल भेजा है, लेकिन कलेक्टरगंज थाने की पुलिस जो कि नजदीक में ही है घंटाघर थाने से, घंटाघर से पुलिस ने महिला की कोई मदद नहीं की। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक युवक ने महिला पर तेजाब फेंका है और महिला की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है और जीआरपी के सिपाही की मदद से पीड़ित महिला को अस्पताल पहुंचाया गया है, लेकिन कलेक्टरगंज थाने की पुलिस ने महिला की कोई भी मदद नहीं की है। कानपुर की ये घटना आपको बता रहे हैं जहां पर घंटा घर के पास एक महिला पर तेजाब फेंक दिया गया। राम जी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, राम जी आपसे जानेंगे पूरा मामला क्या है। ये लड़की है, ये सेंट्रल स्टेशन पर रुकी, इसका नाम इसका, और ये स्टेशन से बाहर की ऐसे टूट गया है, इसका इसका चेहरा झुलस गया है। फिलहाल अभी इतना बड़ा घटना होने के बाद भी जीआरपी और कलेक्टर पुलिस दोनों आपस में यही तय कर पा रही थी कि उसको कहाँ ले जाना है। वो कह रहे मेरी घटना फिक्स में नहीं, वो कह रहे मेरी घटना में फिक्स नहीं है, इस तरह से उसको तरसाते रहे काफी देर तक। अब उसको जीआरपी के सिपाही लेकर के उतना आए हैं जहाँ पर उसका अंदर फिक्स में रखा गया, अब उससे पूरी तरह बातचीत नहीं हो पा रही है। जब वो बाहर निकले तब पूरी घटना की और जानकारी हो सकेगी। राम जी कुछ मामला पता चल पाया है कि मामला क्या था? अभी मामला पूछे के क्लियर नहीं हो पा रहा है, सिर्फ इतना जानकारी हुई है कि वो स्टेशन परिसर से बस बाहर की ओर आई थी घंटा का चौराहे की तरफ, तभी इसने ऐसे फेंका है जिससे उसका चेहरा आधा चेहरा झुलस गया है। और अभी वो बस बात करने की स्थिति पर नहीं है और ना ही उसका कोई परिवार का या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसके बारे में कोई जानकारी दे सके। तो पुलिस का रवैया यहाँ पर इतना डोल मलैया रहा कि एक दूसरे यहाँ पर भी सीमा विवाद का मामला फंसाकर उसको काफी देर तक की वही टॉपलाइन में छोड़ दिया था। जी जी राम जी, इस युवक के बारे में पता चल पा रहा है जिसने तेजाब फेंका है इस महिला पर? नहीं, अभी उसके बारे में कुछ पता, जब तक ये लड़की यहाँ पर एक अधिकारियों से बात ये की जाती है तो उनका कहना जब तक ये लड़की कुछ बोल पाने की स्थिति नहीं आती है तब तक अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर युवक है कौन। शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका राम जी। तो ये पूरा मामला कानपुर का आपको बता रहे हैं जहां पर घंटा घर के पास एक महिला पर तेजाब फेंकने की घटना सामने आई। फिलहाल इस महिला की हालत काफी नाजुक बनी हुई है, महिला कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने भी महिला की कोई मदद नहीं की, लेकिन जीआरपी सिपाही की मदद से पीड़ित महिला को अस्पताल पहुंचाया गया।